समान नागरिक संहिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ किया है कि राज्य सरकार को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। हम ये जानना चाह रहे हैं, हमारे साथ डीके गर्ग साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। और सर, स्टेट को किन किन सब्जेक्ट पे कानून बनाने या कानून के लिए कमेटी बनाने का अधिकार है आयोग? स्टेट को जिस सब्जेक्ट पर एग्जीक्यूटिव पावर है उन सब में वो कानून लेजिस्लेट कर सकती है। यानी किन किन स्टेट सब्जेक्ट या कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसपे भी कर सकती है? देखिए, कंकरेंट लिस्ट जो है कॉमन लिस्ट होती है सब्जेक्ट्स की, इट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ स्टेट एंड सेंटर। अगर कंकरेंट लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी पावर स्टेट को लेजिस्लेट करने की है तो कंकरेंट लिस्ट में भी बनाए जा सकते हैं। तो इसमें यूसीसी को लेकर जिन राज्य सरकारों ने कानून बनाए हैं या फिर ऑर्डिनेंस जारी किए हैं या फिर कमेटी या कमीशन बनाए हैं सर्वे के लिए, तो क्या वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं? क्या उसको केंद्र सरकार निरस्त कर सकती है? ये क्या है? अगर ये कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है तो सरकार, केंद्र सरकार है, उसे ये अधिकार होगा कि इन कानून को वो ऑर्डिनेंस के द्वारा या एक्ट के द्वारा खत्म कर सकती है। क्या यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके लिए राज्य सरकार को अधिकार है, अधिकृत है वो बनाने को कानून? मैं ये मानता हूँ कि यूसीसी जो है वो सब्जेक्ट बड़ा है और वो पूरी नेशन को इफेक्ट करता है, तो ऐसे में एक राज्य सरकार को ये पावर नहीं है कि ऐसे कानून बनाए। जब राज्य सरकार नागरिकता देने का अधिकार तो केंद्र सरकार का है जी, राज्य सरकार को नागरिकता देने का अधिकार नहीं है तो उसमें दखल अंदाजी क्या कर सकती है? नहीं, ऐसे सब्जेक्ट में नहीं कर सकती। तो ऐसे में जो यूसीसी को लेकर उत्तराखंड है, बाकी और स्टेट है जो बना रहे, वो क्या सिर्फ पब्लिक परसेप्शन के लिए है या उनको संवैधानिक अधिकार है? मैं ये समझता हूँ कि 162 आर्टिकल में उनको ये पावर नहीं है। नहीं है, यानी कुल मिलाकर कानून के कई जानकार ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 162 में यानी आर्टिकल 162 इसके तहत राज्य सरकारों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अब ये कानून के बड़े जानकार ये देखेंगे, जो राज्य सरकार में भी हैं, उनके सलाहकार हैं, उनको ये देखना है कि वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करके कानून बना रहे हैं या फिर लक्ष्मण रेखा के अंदर। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेगा। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज।